दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जो इतिहास की निशानी है, उस दिल्ली की क्या है कहानी, सुनाएंगे दिल्ली की जुबानी, पांच साल दिल्ली का हाल, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एबी स्टार न्यूज में और मैं हूँ रोमा काकर। दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है और चारों तरफ चुनावी चर्चा देखी जा रही है। कहीं ना कहीं कंपेनिंग के लिए कैंडिडेट लगे हुए हैं लगातार और कंपेनिंग का एक हिस्सा है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं शालीमार बाग विधानसभा में, जहां जेएस न्योल जी को टिकट दिया गया है। उन्होंने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यालय के उद्घाटन के लिए सुभाष चोपड़ा जी, मंगत राम सिंघल जी और बड़े नेताओं को बुलाया है। चलिए देखते हैं किस तरीके से वो कार्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं और क्या क्या तैयारियाँ हैं। इस करी से मैं आपकी लड़ाई आज तक लड़ता आया हूँ। और जब तक कांग्रेस को लेके नहीं आएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कौन सी सरकार अच्छी और कौन सी बुरी है। उस समय भी नवल जी जाके उठने से बचाए, कांग्रेस आएगी। और इस टाइम कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देख लीजिए आप, कोई काम नहीं है, सब जगह गंदगी फैली हुई है। पीछे भी ये इलेक्शन लड़े हैं, चाहे हारे हैं, लेकिन ये काम करते रहे हैं पाँच साल, ये पीछे नहीं हटे। कोई भी गाय हम लोग जाते थे, कोई काम हो, हमने भाई साहब से कहा, भाई साहब पीछे हटे ही नहीं, इन्होंने सब काम किया हमारा। और बच्चों की एडमिशने, पेंशने, कोई भी काम हो इन्होंने किया। और इस टाइम कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे देश के हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। अगर उसको ठीक नहीं किया गया, वी विल गो इन वर्स। और अब हम ये चाहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस आए, ऐसे व्यक्ति को जिताओ जो क्या कहते हैं देश के लिए कुछ करे और इनके साथ मुकाबला कर सके। गद्दी पर बिठाने का मतलब ये नहीं कि कल को वी बिकम डिक्टेटर, वो नहीं होना चाहिए। डिक्टेटर नहीं इंसान को बनना चाहिए। अगर दुनिया ने हमें चुनकर बिठाया है तो वी शुड वर्क फॉर देम। काफ़ी साल से सर लगे हुए थे काउंसलर के बाद, अब उनको टिकट मिला है। बहुत ही जुझारू और निडर और बहुत ही मेहनती हमारे जो नेता हैं, और हम चाहते हैं इस क्षेत्र की समस्याओं का जो है समाधान हो, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकी जीत होनी ही चाहिए। इस तरह की हमारी कोशिश रहेगी सारे सभी कार्यकर्ताओं की। मेरा मुंडा चाहे हूँ तो टिकट मिली है, पहला भी लोगों ने करता ही तो हूँ भी उन्हें करने, हूँ तो करने ही ने। ओ छाली मार्च लोग प्रूफ ले सकते हैं कि वह काम किसी गरीब का हटाता नहीं है, ये ओदा काम ने। ये कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोला, सुभाष जी को जल्दी थी, परंतु आज आप ये शालीमार बाग को देख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और DDA ने ये कॉलोनी बसाई थी। ये जो गांव वाले हैं यहाँ के, सईपुर गांव के लोग, उनकी ज़मीन एक्वायर करके ये कॉलोनी बसाई। उस समय ये 40 रुपये गज में भी यहाँ कोई लेने वाला नहीं था, आज यहाँ पर लाखों की कीमत है। मैं समझता हूँ कि जो आज तरक्की, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो झुग्गी वाला है, जितनी भी आज उन्नति की है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के समय में दी है। देखिए, न्योल जी एक ऐसे ही शख्सियत हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने निस्वार्थ पिछले कई सालों से जनता की सेवा की है, खासकर जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करते रहे हैं। मेरा पूरी तरह से उनके ऊपर आशीर्वाद है, पूरी शालीमार की जनता का आशीर्वाद उनके ऊपर है। जो आदमी गरीब के उत्थान के लिए काम करता है उसके ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद आता है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ही इज गोइंग टू बी विक्टोरियस इन दिस। यहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं पिछले काफ़ी सालों से, 108 साल का इतिहास है BJP और आम पार्टी का यहाँ पे, जिसमें इनके विधायक, काउंसलर, MP, मंत्री, उनके कार्यकाल का जो टोटल सबका जोड़ दे 108 साल बनता है, और विकास के नाम भी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो इस विधानसभा की बुरी हालत है, पाइपलाइनें गली पड़ी हैं, पार्क बुरी हालत है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हैदरपुर की तो तरफ चलो जो सड़कों पर पानी खड़ा है, तराई तराई कर रहे हैं लोग, सारे पार्कों में घूस लगी है, सीवरों में घूस लगी हुई है, और विधायिका सो रही हैं। जब हम चुन के आएंगे तो सारे काम करेंगे। विकास हमेशा कांग्रेस ने कराया दिल्ली के अंदर, 15 साल आपने देखा होगा जो हमने विकास करा, इस विधानसभा के चारों से विकास हुआ। इस विधानसभा में एक भी काम दिखाएं जो इन्होंने करा हो, सिवाय बातें करने के, लोगों को गुमराह करने के, और कुछ नहीं हुआ। तो अपने यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैसेज देना चाहूँगा, मेरे घर के और ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं,
कोई भी आएगा मैं उसके लिए उनका भाई बन के काम करूँगा। नेता तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो जमीनी हकीकत जानता हूँ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो परिणाम आपके सामने होंगे 8 तारीख को, जितने मर्जी दावे कर ले बीजेपी आम पार्टी। जब मैं सड़क से निकलता हूँ लोग आवाज़ दे दे के रोकते हैं। मैंने यहाँ 83 से विकास किया, हाँ काम किया और बहुत सारे काम भी करवाए मैंने, वो जनता जवाब देगी और जनता को मालूम है। कांग्रेस पार्टी 83 से मैं आपकी लड़ाई आज तक लड़ रहा हूँ। और जब तक कांग्रेस को लेके नहीं आएंगे हमें पता कैसे चलेगा कौन सी सरकार अच्छी और कौन सी बुरी है। उस समय भी नवल जी जाके टूटने से बचाए, कांग्रेस आएगी। और इस टाइम कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देख लीजिए आप, कोई काम नहीं है, सब जगह गंदगी फैली हुई है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जो इतिहास की निशानी है, उस दिल्ली की क्या है कहानी, सुनाएंगे दिल्ली की जुबानी 5 साल दिल्ली का हाल, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर।